स्नोफॉल, वो भी केदारनाथ की ट्रैकिंग में। हर हर महादेव, स्वागत है आपका माउंटेन स्टेयर्स के एक और नए व्लॉग में। बाबा केदार, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भक्तों में सबसे प्रिय ज्योतिर्लिंग है, उनके कपाट के क्लोजिंग का समय नज़दीक आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2022 में केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने राइट प्लेस पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप बचे हुए 2 महीने यानी सितंबर और अक्टूबर में सस्ती और आसान यात्रा कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी और आने वाले हैं। ऐसा हुआ है कि हमें ये स्लॉप देखने के लिए मिला है, यहाँ से ऐसे आते हुए ये सारा स्लॉप है वहाँ तक, कि बहुत टाइम बाद हमें स्लॉप देखने के लिए मिला है, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, अप डाउन मतलब ये सारा स्लॉप है। आप देश के किसी भी सिटी में रहते हो, मोस्टली केदारनाथ यात्रा की स्टार्टिंग हरिद्वार से ही होती है और वहाँ से आप बस पकड़कर आगे की यात्रा को अपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह 4 से 6 बजे के बीच में हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी आपको। यहाँ से बस लेकर आप 10 घंटे का सफ़र कर सोनप्रयाग ईजिली पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सोनप्रयाग की पार्किंग है, और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, सिर्फ ओनली कार्स। तो ये है फ्रेंड मेरे सामने सोनप्रयाग का रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। सोनप्रयाग से शेयर टैक्सी लेकर आप आसानी से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं, जहां से आपकी असली ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। गौरी मंदिर तब तक जाने का मार्ग है। गौरी कुंड में मेरे बैक साइड में तप्त कुंड है, यहाँ पर गर्म पानी का झरना बहता रहता है हमेशा चारों साइड। अभी मेरे एक साइड में यहाँ पर तप्त कुंड बना हुआ है और यहाँ पर गर्म पानी का झरना है, कला सुंदर है। यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, इस साइड में गर्म पानी और इस साइड में ठंडा पानी। टैक्सी को ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हमारी 16 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है, और बड़ा ही आनंददायक ये सफ़र रहने वाला है। ये गौरीकुंड का प्रीपेड घोड़ा काउंटर है, और यहाँ पर ये चार्जेस हैं। क्या चार्ज ले रहे हैं भाई गौरी घोड़े के, बताओ पहले कितना ले रहे हो चार्ज? इस 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग में चारों साइड में हरियाली, पेड़ और नेचुरल वाटर के रिसोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं।
ये हल्का सा शॉर्टकट मारने की कोशिश की है, ये यहाँ से साइड से जा रहा है और इस तरह से हमें ऐसे राउंड से घूम के जाना पड़ेगा। ये वाला झरना भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा मज़ेदार झरना लग रहा है, पानी एकदम नेचुरल मिनरल वाटर की तरह लग रहा है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये है रामबाड़ा का पुल, और यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, एक खच्चर के लिए, तो जो खच्चर हैं वो उधर को जाएंगे और पैदल वाले इस साइड से जाएंगे। यहाँ से ये रास्ता डिवाइड हो रहा है, खच्चर जा रहे हैं, और अभी ऐसा जिगजैग सा रास्ता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर हम वहाँ जाके मिलना। अभी केदारनाथ धाम 8.5 किलोमीटर रह गया है और बेस कॉम 6.5 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ का जो व्यू है ना वो तो बहुत ज़बरदस्त है, पूरा ग्रीन दिया, बट थोड़ी अब थकावट होने लगी है। अभी जो रास्ता आप देख रहे हैं उस रास्ते को कवर कर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अप्रॉक्स 2 से 2.5 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं, नीचे के पुल से, रामबाड़ा के पुल से हम ऊपर आ चुके हैं अब तक। सितंबर अक्टूबर मंथ में आपको ज़्यादा क्राउड देखने के लिए नहीं मिलेगी, और सस्ते होटल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आसानी से, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए, अगर आपने 2022 में दर्शन नहीं किए हैं तो। केदारनाथ धाम से मंदिर परिसर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले काफ़ी सारे टेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो 400 से 500 रुपीज़ में आपको नाइट का स्टे करा देंगे, तो ये काफ़ी फैसिलिटी आपके लिए मिलने वाली है यहाँ पर। केदारनाथ धाम में आपको स्टे करने के लिए GMVN बेस्ट है, बट इसकी प्री बुकिंग करानी पड़ती है, तो आप अगर जाते हैं तो प्री बुकिंग करा कर ही जाएँ, अदरवाइज़ आपको सीट यहां पर रहने के लिए नहीं मिलेगी। आपको 400 से 500 के बीच में इस तरह के टेंट्स मिल जाएंगे, तो ये सेकंड ऑप्शन है आपको यहां पर रहने के लिए। तो फ्रेंड्स सुबह के 4 बजे हुए हैं और 6:45 का टाइम है धाम के कपाट खुलने का, और अभी
नहीं कितनी लंबी लाइन लगी है, यहाँ से ये राउंड घूम रहा है। और क्यों आपने बोला कि वहाँ चले जाओ? करीब 300 से 400 बंदे लाइन में लगे होंगे सुबह के 4 बजे। कहाँ लेकर या तो कंबल लपेट के आओ आप, फिर अभी तो है टाइम। कंबल तो बोला था कंबल लपेट। केदार बाबा के कपाट जो कि 26 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे यानी दिवाली के जस्ट बाद, फिर 6 मंथ के बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे, तो ये राइट टाइम है आपको दर्शन करने के लिए। आप आएँ और आसानी से दर्शन करें और सस्ते में आपके दर्शन हो जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लकी रहे तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है और ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा।